गाइस नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? आई हो मस्त होंगे। वेलकम टू बुलबुल ब्लॉग। आप लोग देख रहे हैं कैसे श्री राम का नारा लगाया जा रहा है और हमारे और ठंडी इतनी पड़ रही है। हमारे पापा देख रहे हैं लकड़ी काट रहे हैं। ठंडी इतनी पड़ रही है कि आग जलाने से सब मजबूर हो जा रहे हैं। तो आप लोग के घर आप लोग क्या बनाने जा रहे हैं देखिए। हम जा रहे हैं बनाने, आज भी हम जा रहे हैं बथुआ का साग बनाने। देखिए बथुआ है ना, कौन कौन बथुआ जानता है समझ में गई बताइए। देखिए हम जा रहे हैं बथुआ बनाने। बथुआ में हम मिलाएंगे सरसों भी मिलाएंगे और मिलाएंगे देखिए और मिलाएंगे गोभी का पत्ता, सरसों भी मिलाएंगे, गोभी का पत्ता भी मिलाएंगे। इससे ना थोड़ा सा टेस्ट अच्छा लगेगा। थोड़ा सा सामग्री मिलाएंगे तो बच्ची की लटकैले झुंझुनवाना देख देख के बतियावा था खेला था। तो भाई पालक जो है बथुआ का थोड़ा कम पड़ेगा, इसलिए हम जा रहे हैं खेत से पालक लाने के लिए। पालक भी डाल जाएगा, अब उसमें हम डाल रहे हैं सरसों भी डाल रहे हैं, गोभी पत्ता भी डाल रहे हैं, अब उसमें हम डालेंगे पालक, पालक भी डाल देंगे तो स्वाद और भी बढ़िया रहेगा। इसलिए हम जा रहे हैं पालक लाने। तो देखिए खेत तो भर गया है भाई, हम कैसे लेंगे? कुछ खास जमा भी नहीं है, धनिया छोटा छोटा है। इधर ही धनिया है, देखिए धनिया, इधर से धनिया ले लेंगे। तो आप लोग क्या बना रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारे घर तो देख ही रहे हैं क्या बन रहा है, बथुआ बन रहा है। बहुत लोग के घर पे तो बथुआ नहीं मिलता होगा, जो सिटी में रहते होंगे उन लोग को तो बथुआ नहीं मिलता होगा खाने के लिए। तो हमने यहाँ पे सरसों ले मतलब सॉरी धनिया ले लिया है। यहाँ पे देखिए धनिया है बड़ा सा, धनिया मिल गया हमको। और मम्मी बोली है पालक लाने के लिए, देखिए पालक दरे दरे दिख रहा है। नहीं पालक नहीं है, ये तो घास है भाई, पालक हम तो घास दिख रहा है पालक। अरे मैं अरे बच गए, थोड़ा मेड़ी है ना इसलिए हम डगमगा जा रहे हैं। पालक तो है ही नहीं, मम्मी बोली है पालक लाने के लिए। देखिए पालक कहाँ, पालक बोया था मतलब पालक निकलवा नहीं किया। तो हम इसी में से इसी को निकाल लेते हैं, क्या करेंगे जो है वही सही। देखिए मूली का पत्ता भी ले, क्या मूली का पत्ता भी डाल देंगे ना तो और अच्छा लगेगा। देखिए मूली बहुत, देखिए कितना बड़ा मूली हो गया। तो आप लोग को भी मेथी का पालक पसंद है, हमको तो पसंद है भाई। पालक किसको नहीं पसंद होगा भाई, पालक तो सबका फेवरेट होता है। देखिए खेत में आ गए, खेत में देखिए सरसों कितना सुंदर लग रहा है ना। तो हम आए थे पालक लेने के लिए, पालक नहीं मिला हमको। धनिया ले लिए हैं, इधर उधर से लहा लिए हैं और लहसुन नहीं लिए, लहसुन भी बोली मम्मी लेने के लिए। तो हम दो जो पास में लहसुन है, पास में जो लहसुन है हम उसको निकालेंगे। पास में लहसुन पानी में बहुत मज़ा आता है भाई। आइए ओ माय गॉड, ये तो ऊपर गया। चलिए दो ठोला लिए हैं, मम्मी से बोलेंगे पालक नहीं मिला तो
धनिया देखिए छोटा छोटा, बहुत छोटा छोटा है। धनिया लहा ले और थोड़ा सा घास है, घास ही में से निकाल ले रहे हैं। सरसों तो चलिए चलिए भाई, चलते हैं हम लोग। रोज की तरह चाय पी लीजिए, अब ये चाय पी लीजिए। देखिए हमारा चाय बन के तैयार है। कौन कौन चाय पीता है कमेंट में जरूर बताइएगा। ठंड में चाय कौन नहीं पीता है भाई, सब पीता है। बुलबुल तुम चाय पीती हो? इधर देखो, तुम कहाँ चाय पीती हो? ओ माय गॉड, क्या हुआ? चम्मच लो, चम्मच। चाय और लाई चम्मच लगा के खाना, ठीक है ना? हाँ, पीजिए चाय, पी लीजिए आप सभी लोग। आप लोग के लिए चाय बन गया है। चलो तुम्हारा भी लेके चले। चलो देखिए हम तीन तीन चाय पकड़े एक साथ, ये मालकिन है। चलो चलो चल। हाँ चल मच्छू, हे लाइट डाल के खा ले। चला प्रसादी बाटा था क्या? ये मोती चूर कलर का पार्टी बटले समझवा। संजय गांधी बाटा था ना, श्री राम का नाम ले। जय श्री राम बोलिए। जय श्री राम। तो हम ये तब तू अपन लिया के बाटा से रख के प्रसाद। इनका क्या बबलू सर का प्रसाद ना? बबलू सर का भाई, बताओ बबलू सर का डब्बा। ये देखा डब्बा खत्म। मैं तो अभी कहता बबलू सर का लगा पकला है। बहुत धक्का पकला दो डब्बा लगा नहीं, चार पांच दीदिया के दादा भैया चार दीदिया के रे दीदिया के दादा लग रहे हैं। हां ओके, ज्यादा जरूरत है सही हो गया। रख रख हूं दम घर बोल करना सही हो जाए। देखिए हमको श्री राम जी का प्रसाद मिला है। हर गांव-गांव में प्रसाद बांट रहे हैं। तो आप लोग को प्रसाद मिला कि नहीं कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए हमको प्रसाद मिल गया है। अंकल है जो गांव में घूम घूम कर प्रसाद बांट रहे हैं राम जी का। तो आप लोग भी प्रसाद खा लीजिए। तो चलिए हम जा रहे हैं खाना बनाने। आपको आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए बाय बाय।